गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हमारी ऑल इंडियन कार एंड पाकिस्तान कार के साथ टाइटेनिक शिप जंप चैलेंज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा टाइटेनिक शिप और यहाँ पे देख सकते हो ये काफी मतलब लंबा चौड़ा शिप है और आप लोग समझ सकते हो काफी मतलब हमें इंडियन कार एंड पाकिस्तान कार को स्ट्रगल करके यहाँ पे जंप करना है और जो इंडियन कार यहाँ पे आ जाएगी वो हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लेगी और जो पाकिस्तान कार आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीच में वाटर का लेवल भी है जिसके कारण हमारी इंडियन कार एंड पाकिस्तान कार की स्पीड थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कार हमारी महिंद्रा थार ले लिए हैं गाइस और यहाँ पे देख सकते हो हमारी महिंद्रा थार काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रही है, 200-300 के अराउंड स्पीड चली गई थी गाइस आप लोग देख सकते हो और ये काफ़ी लंबा जंप मारी है और यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब काफ़ी डीप ओशन में आके गिरी है और ये लेकिन हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसे पार्क कर दूंगा हमारी पार्किंग साइड, देखता हूँ हमारी नेक्स्ट पाकिस्तान कार में। तो यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं हमारी नेक्स्ट पाकिस्तान कार जो है हमारी गाइस BJ40 और इसके टाइम पे वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था और यहाँ पे देख सकते हो इसकी स्पीड इसके कारण थोड़ी सी डाउन रही जिसके कारण इसने थोड़ा छोटा जंप लिया और मैं ट्रैक को भी थोड़ा बढ़ा दिया हूँ गाइस क्योंकि हमारी इंडियन कार एंड पाकिस्तान कार काफ़ी लंबा जंप ले रही है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी पाकिस्तान नेबर कंट्री का भी पॉइंट हो चुका है 1। तो बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट ट्रैक्टर की तरफ, तो देखते हैं हमारी इंडियन ट्रैक्टर एंड पाकिस्तान ट्रैक्टर में कौन सी ट्रैक्टर हमारी पॉइंट दिला पाएगी हमारे चैलेंज में। तो बढ़ता हूँ हमारी चैलेंज की तरफ, तो उससे पहले गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो गाइज बढ़ता हूँ हमारी ट्रैक्टर की तरफ, तो देखते हैं हमारी ट्रैक्टर कैसी परफॉर्मेंस करेगी और वो हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे गाइज हमारी सिद्धू पाजी वाली ट्रैक्टर जो मतलब कि हमारे सिद्धू पाजी यूज़ करते थे और यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर है गाइज और यहाँ पे चल पड़ी हमारी ट्रैक्टर और ये मतलब ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा होती नहीं है और यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक्टर अपनी मैक्स स्पीड में आ चुकी है 132, 133, 134 की स्पीड में इसने जंप मारी है। और ये देख सकते हो गाइज ये हमारे टाइटेनिक को सिर्फ छू ही पाई है मतलब टच ही कर पाई है और ये हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। तो बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट पाकिस्तान ट्रैक्टर में, तो देखते हैं हमारी पाकिस्तान ट्रैक्टर अगर हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लेगी तो इंडिया से एक पॉइंट लीड कर पाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चल पड़ी हमारी ट्रैक्टर और यहाँ पे देख सकते हो इसके टाइम पे वाटर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है इसके कारण ये स्पीड भी उतना नहीं बना पा रही है गाइज और ये मतलब कि हमारी इंडियन ट्रैक्टर से काफ़ी कम स्पीड में जंप मारी है तो ये भी हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। तो गाइज अभी इंडिया का पॉइंट है 1 और हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान का भी पॉइंट सिर्फ 1 ही है। तो बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में, तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 कैसी परफॉर्मेंस करेगी। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के सामने काफ़ी ज़्यादा वाटर आई थी लेकिन ये तब भी हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लिया और ये हमारे चैलेंज में पास हो जाती है। तो गाइज अभी इंडिया का पॉइंट हो चुका है 2 और हमारी पाकिस्तान का भी पॉइंट है अभी सिर्फ 1 गाइज। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट पाकिस्तान का हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। तो मैं इसे यहीं पे पार्क कर देता हूं और बढ़ता हूं हमारी नेक्स्ट पाकिस्तान कार में जो होगी हमारी टोयोटा की लैंड क्रूज़र मतलब कि 2023 या 2024 वाली मॉडल है, मेरे को कंफर्म नहीं है गाइस। तो बढ़ता हूं हमारी चैलेंज की तरफ और यहां पे देख सकते हो लैंड क्रूज़र मैंने ले लिया है और यहाँ पे देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छी स्पीड बना ली है क्योंकि इसके टाइम पे वाटर का लेवल काफ़ी कम था मतलब था ही नहीं तो ये भी हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज मैं इसे भी पार कर दूंगा हमारी पाकिस्तान साइड, तो मैं इसे पार कर देता हूँ हमारी पाकिस्तान साइड। तो गाइज हमारा अभी चैनल का थोड़ा सा इंप्रेशन डाउन है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर से करना क्योंकि गाइज हमारा थोड़ा सा चैनल अभी डाउनफॉल में जा रहा है जिसके कारण मेरे को थोड़ा मतलब कि बैड फील हो रहा है और ये हमारे चैलेंज में तो पास हो गई है। तो बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट मॉन्स्टर ट्रक में, तो देखते हैं हमारी इंडियन मॉन्स्टर ट्रक हमारी द लिबरेटर कैसी परफॉर्मेंस करेगी और ये हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। तो गाइज तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मॉन्स्टर ट्रक की स्पीड ज़्यादा तो होती नहीं है और यहाँ पे देख सकते हो ये चल पड़ी हमारी मॉन्स्टर ट्रक द लिबरेटर और यहाँ पे देख सकते हो इसको तो वाटर से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तब भी ये गाइस हमारी 200 के अराउंड स्पीड पकड़ ली थी जिसके कारण ये भी हमारे इंडिया को पॉइंट दिला देती है। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी हमारा चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया, तो मैं इसे पार कर देता हूँ हमारी इंडिया साइड। अरे गाइस मैं तो पाकिस्तान साइड आ गया हूँ, तो मैं इसे इंडिया साइड लेके आ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे पार कर देता हूँ यहीं पे और बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट पाकिस्तान मॉन्स्टर ट्रक में, तो देखते हैं हमारी पाकिस्तान मॉन्स्टर ट्रक कैसी परफॉर्मेंस करेगी और वो हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो पाकिस्तानी हमारी मॉन्स्टर ट्रक चल पड़ी है और ये देख सकते हो काफ़ी हैवी लग रही है मतलब लुक इसका भी काफ़ी अच्छा है
और यहाँ पे चल पड़ी है। और इसका टायर का कलर भी ब्लू है, मतलब कि काफ़ी अच्छा कलर है। और यहाँ पे देख सकते हो इसने भी जंप ले लिया गाइज, और इसकी भी स्पीड 200 प्लस थी, जिसके कारण ये भी काफ़ी इजी वे से हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये तो यहाँ पे पलट गई गाइज। तो अभी तक तो पॉइंट दोनों कंट्री का ड्रॉ ही चल रहा है, मतलब कि इक्वल में ही चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे पार्क कर देता हूँ यहीं पे और भरता हूँ हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार हमारी स्कॉर्पियो एन कैसी परफॉर्मेंस करेगी, और ये हमारे इंडिया को पॉइंट दिला पाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं गाइस हमारी स्कॉर्पियो एन, और यहाँ पे देख सकते हो स्कॉर्पियो एन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई है। लेकिन ये वाटर में जाते ही इसकी स्पीड डाउन हो रही है, लेकिन गाइस ये 200 की स्पीड अचीव कर ली थी, जिसके कारण ये हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे चैलेंज में पास हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारी इंडियन का भी पॉइंट हो चुका है 4 में भी, हाँ गाइस 4 हो चुका है। तो अभी पाकिस्तान का पॉइंट 3 है। तो मैं बढ़ता हूँ हमारी लास्ट एंड फाइनल कार में। तो देखते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल कार हमारी पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस करेगी। तो गाइज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर से करना, जिसमें हमारी ट्रैक्टर सॉरी गाइज हमारी ट्रक सब इंक्लूड रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी लास्ट एंड फाइनल कार हमारी अल्फा रोमियो चल पड़ी है, और इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि गाइज ये सुपर कार के कैटेगरी में आती है। 290 की स्पीड में इसने जंप मारी, बट हमारी थार इतनी स्पीड नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब।